इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा राइस। जो मैंने एक पाव ये राइस लिए थे, इनको 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था पानी में, तो ये फूल चुके हैं। और मैंने कुकर रख दिया है, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुछ गर्म मसाला है। इसमें मैंने दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची जिसको खोल लिया है, और जीरा डाल दिया है मैंने, और ये लौंग भी डाल दिए। इनको हम भून लेते हैं। ये भून चुके हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें हम डालेंगे राइस, इसको भी हम भून लेते हैं। पूरा ही डाल देंगे। मैंने ये पूरे डाल दिए, देखिए वो घी डाला था मैंने। आप चाहें तो आप ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, या बटर डाल सकते हैं, जो आपकी पसंद हो आप वो डालें। और ये चावल भुन चुके हैं, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आपने चावल तो खाए होंगे पर इस तरीके के नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, और आधी चम्मच नमक इसको भी डाल दिया। हम इसमें डालेंगे ये दो गिलास पानी, तो एक गिलास डाल दिया मैंने पानी, और दूसरा गिलास भी अभी हम इसको भी डाल देंगे। आपके चावल ऐसे होते हैं, किसी किसी के चावल कोई कोई की कोई कम पानी लेते हैं, कोई ज़्यादा पानी, तो इसलिए आप पानी अपने चावलों के हिसाब से डाल रहे हैं। आप कैसे पसंद करते हैं उसी हिसाब से। अब इसमें उबाल आएगी, उसके बाद हम इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। दो से तीन सीटी लेंगे, फिर आपको हम दोबारा से दिखाते हैं। ये राइस बन चुका है। आह क्या खुशबू आ रही है, खिले खिले बने हैं राइस। देखिए एक एक हो गया दाना। इसको हम आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बच्चे बड़े सभी खाएंगे और सभी पसंद करेंगे।